पूरे देश में जहां परशुराम जयंती के अवसर पर बड़ी ही धूमधाम से यात्रा निकाली जाती थी, वहीं इस बार लॉकडाउन के चलते इस बार परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में परशुराम समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेश अवस्थी द्वारा कानपुर के दक्षिण के कई सफाई कर्मियों को एक महीने का भोजन वितरण कराया गया और सफाई कर्मियों को फूलों की माला पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। किस संस्था द्वारा आज आप लोग ने क्या कार्यक्रम किया? ये भगवान परशुराम महासभा के द्वारा हमारे बीच में जो कोरोना के लिए काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी और अन्य कर्मचारी जो प्रतिदिन सुबह से लेकर रात तक सफाई का ध्यान रखते हैं, कोरोना पीड़ितों का ध्यान रखते हैं और निश्चित रूप से हम लोगों के लिए सबका ध्यान रखते हैं, उनका सम्मान आज यहाँ पर ये बीच विमान के पीछे पार्क में किया गया है। हमारी हम लोगों का ये भावना थी कि उन लोगों को सम्मानित जरूर किया जाना चाहिए जो लोग इस वैश्विक महामारी में हम लोगों का और पूरी जनता का ध्यान रख रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए भगवान परशुराम महासभा के द्वारा आज अक्षय तृतीया के अवसर पर, ये आज अक्षय तृतीया भी है और भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है, उस जन्मोत्सव की कड़ी में आज हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। आज इनको सबको सम्मानित किया गया है, 16-17 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जिनको सम्मानित किया गया है। इनको खाद्यान्न सामग्री और अन्य सम्मान के साथ सम्मानित करके करने का काम हम लोगों ने किया है।